हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द प्ले द प्रपोजल. इट इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक लास्ट चैप्टर. एंड दिस प्ले इज़ रिटन बाय एंटोन चेकोव हु इज़ ए रशियन राइटर ऑथर वी कैन से. एंड एंटोन चेकोव इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड क्लासिक प्लेस. यहाँ पे जो प्ले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें द प्रपोजल जो टाइटल दिया है इन्होंने, क्योंकि कोई एक कैंडिडेट किसी के लिए शादी के लिए प्रपोजल लेके जाता है, लेकिन जैसा कि यूजुअली हम लोग एक लाइफ में इमेजिन करते हैं कि दैट वुड बी वेरी रोमांटिक, बट इन दिस स्टोरी वी विल सी समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस प्ले के थ्रू जो राइटर है उसने एक ऐसी हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो भी वेल्दी जो फैमिलीज होती हैं, धनी जो परिवार होते थे 19th century के अंदर उस टाइम पे, तो वहाँ वो लोग एक दूसरे से मैरिज या इस तरह के प्रपोजल भी जो होते थे वो अपनी वेल्थ को, अपनी धन दौलत को बढ़ाने के पर्पज़ से क्या करते थे, उसके पीछे भी उनका कोई भी एक मोटिव हुआ करता था. तो ये उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म है, उसने क्रिटिसाइज किया उस चीज़ को. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. चलो चेक्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं. यस, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. इट इज़ ये जो मैं आपका एक पैराग्राफ है ये कुछ आपको हिंट देगा कि आगे स्टोरी में क्या कुछ है, क्यों राइटर ने लिखा है द प्रपोजल. अब टाइटल जो दिया द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल. अगर ओरिजिनली इसका टाइटल देखा जाए तो क्या है इसका, ए मैरिज प्रपोजल है. वहाँ पे इज ए वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले है. जो वन एक्ट प्ले किसको कहते हैं हम लोग, जो एक बार में या तो कंप्लीट किया जा सके एक साथ ही, या फिर एक किसी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करे. यानी कि हम इसमें फर्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा फोकस करते हैं. बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव. और किसके द्वारा लिखा गया, रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है और जो ड्रामेटिस्ट भी है, क्योंकि उसने प्ले भी लिखे हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया. इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 18, यानी इस ड्यूरेशन के बीच में लिखा, 1888 से लेकर 89 के बीच में उन्होंने ये प्ले को लिखा था. और मैंने बोला 19th century के अंदर ऐसा कुछ माहौल था, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने इस प्ले को लिखा था. द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज. जो प्ले है ये किसके बारे में है, अबाउट द टेंडेंसी. एक जो विचार, एक टेंडेंसी शुरू हो गई थी, एक ऐसी नेचर सी बन गई थी लोगों की, किसकी, वेल्दी फैमिलीज की, धनी परिवार जो होते थे उनकी, टू सीक टाइज, कि वो आपस में एक तरह से बॉन्डिंग करते थे, एक रिलेशन क्रिएट करते थे विद अदर वेल्दी फैमिलीज, केवल उन्हीं उसी टाइप की फैमिलीज के साथ में. एंड द पर्पज वॉज टू इंक्रीज देयर इस्टेट्स, कि इसके थ्रू वो अपने जो उनके पास इस्टेट्स से जो ज़मीन थी, तो उस को इंक्रीज करने का एक पर्पस होता था. बाय एनकरेजिंग मैरिजेस, और वो भी शादी के उस मतलब कि एक रिलेशन के थ्रू, दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और जो कि एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सेंस को क्रिएट करता था. अब स्टोरी में क्या है, इवान लोमोव नाम से कैरेक्टर है, एक ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चबुकोव. तो यहाँ पे कहा कि एक लोमोव नाम से जो पर्सन है वो कौन है, एक बहुत लंबे समय से, एक लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर, एक बहुत लंबे समय से जो पड़ोसी रहा, एक धनी एक पड़ोसी है, किसका, स्टीफन चबुकोव का. इन दोनों पड़ोसी हैं, दोनों ही अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑल्सो वेल्दी, दोनों ही वेल्दी हैं. कम्स टू सीक एंड सीक द हैंड ऑफ चबुकोव 25 ईयर ओल्ड डॉटर. वो वहाँ पे, यानी कि फर्स्ट में जो किसका नाम लिया था, इवान लोमोव जो था, वो आता है दूसरे पड़ोसी चबुकोव के पास, जो वो जो कि वो भी वेल्दी है, उसके पास आता है टू सीक द हैंड ऑफ चबुकोव 25 ईयर ओल्ड डॉटर. उसकी चबुकोव की 25 वर्ष की जो उसकी बेटी है उसका हाथ मांगने वहाँ पे वो आता है, नतालिया, जिसका नाम था नतालिया. तो आपको तीन करेक्टर्स पता लग गए, इवान लोमोव है, स्टीफन चबुकोव है, और नतालिया उसकी बेटी है.
ऑल थ्री आर क्वेलसम, तीनों ही झगड़ालू किस्म के हैं एक तरह से, उनकी नेचर जो है वो आपस में झगड़ा करने की है, क्वेलसम पर्सन है। एंड दे क्वेल ओवर पेटी इश्यूज, और वो झगड़ा करते हैं, पेटी का मतलब बहुत ही नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों के इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे ऐसी बातों के ऊपर जिसका कोई मैटर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर, और इसके कारण जो प्रपोजल वो लेकर आया था वो खतरे में पड़ जाता है, शायद वो नहीं होने वाला था ऐसा लगने लगा था। एंड ऑफ बींग फॉरगॉटन, और जो कि जैसे कि भुला दिया गया हो, किसके बीच में, अमिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग, इन सभी झगड़ों के बीच में शायद उसको तो भुलाया गया था और उस लगा कि वो तो नहीं होने वाला था। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स, लेकिन उसके बाद जब वो ज़मीन वगैरह की बातें चलती हैं तो ये जो गुड सेंस थी, ये जो एक मैटर था, फैक्टर फैक्ट था जो उसके पीछे, उसने इंश्योर किया दैट द प्रपोजल इज मेड, कि हाँ प्रपोजल हो गया है, एक तरीके से उसकी शादी होने वाली है। आफ्टर ऑल ऑल दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, हालांकि फिर भी शायद जो उनके झगड़े की जो बातें हैं वो फिर भी कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन वहाँ पे प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, देन व्हाट हैपेंस देयर, योर प्ले स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस, वो केवल इन्फॉर्मेटिव वे में था इसलिए हमने उसको पढ़ा था कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, क्या पर्पज़ है उसका, और प्रपोजल टाइटल क्यों दिया गया। सो आई थिंक यू गॉट दोज आंसर्स, आपको उनके उसके जवाब मिल गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ से कोई भी अगर एक्सट्रैक्ट वगैरह आएगा तो अभी यहीं से आएगा बेटा, उससे पहले उसमें से कुछ नहीं आने वाला है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने उसको रीड किया था। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन कौन है, स्टीफन स्टेपनोविच चबुकोव, ए लैंड ओनर जो हमने अभी पढ़ा था, वो भी एक ज़मीन का मालिक है। नतालिया स्टेपनोवा, ये उसकी बेटी है, 25 ईयर्स हमने बताया था, हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड। इवान वैसलोविच लामोव, ए नेबर ऑफ चबुको, दोनों पड़ोसी थे, ए लार्ज एंड हार्ट, एक बड़ा सा बड़े हार्ट का इंसान है, बड़े दिल का इंसान है वैसे तो, बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन बहुत ही डाउटफुल रहता है, हमेशा शक करता है, एक ऐसा लैंड ओनर है। ओके, नाउ स्टार्ट्स द प्लेयर, ए ड्राइंग रूम इन चबुकोव्स हाउस, कहाँ से शुरू हुई प्ले, कहाँ से शुरू होता है, ये ड्राइंग रूम शो किया गया स्टार्टिंग में ही, और जो कि किसका है, चबुकोव के घर का है। लोमोव एंटर्स देयर वेयरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, और उसने क्या पहना हुआ है, एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है और वाइट ग्लव्स उसने हाथों में डाले हुए हैं। चबुकोव राइज़ेस टू मीट हिम, और जैसे उसने देखा तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। चबुकोव माई डियर फेलो, कि मेरे प्यारे साथी, चबुकोव ने उसने वेलकम किया उसका, एंड व्हाट ही सेज एट दैट टाइम इज़ गिवन हियर, क्या कहता है वो, माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, होम डू आई सी, ये मैं किसको देख रहा हूँ, अरे कमाल हो गए, आप आ गए, आए हो क्या, यानी कि उसने सरप्राइजिंग वे में उसको उस तरह से ये बात कही, होम डू आई सी, ये मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वैसलोविच, वैसलोविच, तो वैसलोविच जो है क्या वो आया हुआ है, इवान आया हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। स्क्वीजेस हिज हैंड, और अपने हाथों को वो वहाँ पे प्रेस कर रहा होगा, दबा रहा होगा, तो स्क्वीजेस वर्ड यूज़ कर दिया। नाउ दिस इज़ ए सरप्राइज, और ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ की बात है, मैं डालें, हाउ आर यू, कि आप मेरे घर पे आए, मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि इतना प्यारा, या मेरा जो अच्छा पड़ोसी है, इतना अच्छा जो इंसान है, वो मेरे पास आया है, एंड हाउ आर यू, उसने उसका हालचाल पूछा। लोमोव, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, एंड देन लोमोव आस्ट, यानी कि पहले उसने थैंक्स बोला उसके इस तरीके से उसकी तारीफ़ करने के लिए, एंड देन ही टोल्ड हिम हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, आप कैसे हैं, आपका सब कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना, देन ही आस्ट द क्वेश्चन टू चबुकोव, चबुकोव रिप्लाइज वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ, जैसे तैसे करके ठीक ठाक चल रहा है, बस ठीक है, माई एंजल, मेरे प्यारे, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, एंड सो ऑन, सिट डाउन, बैठिए, प्लीज़ डू, प्लीज़ आप भी, प्लीज़ डू मीन्स प्लीज़ बैठिए, तो उसने हम्बली रिक्वेस्ट किया। नाउ ओके, यू नो यू शुडन्ट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, और जैसा कि तुम जानते हो या आप मानते ही हैं, यू आपको ऐसे इस तरीके से अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, माई डार्लिंग, उसने बड़े प्यार से कहा। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल, इन पहले उसने कहा क्योंकि बिकॉज ही वॉज ही विजिटेड
हिज हाउस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत दिनों बाद उसके घर की विजिट की है, जब वो घर पे लोमो आया है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि आपको अपने पड़ोसियों को नहीं बोलना चाहिए भाई, आते जाते रहा करो. ओके उसके बाद उसने कहना शुरू किया, उसने देखा कि उसने कपड़े कुछ डिफरेंट टाइप के पहने हुए हैं. एंड दैट्स वाई ही वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, कि आपने इस तरह के फॉर्मल कपड़े जो हैं वो क्यों डाले हुए हैं, इवनिंग ड्रेस पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं और ऐसे ही सब कुछ है. कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर, क्या आप कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे क्या. माई ट्रेजर, माई ट्रेजर क्यों वर्ड यूज़ किया, बोलते ना ट्रेजर का मतलब क्या होता है, वैसे खजाना होता है ना, कोई भी प्रीसियस चीज़ हम रखते हैं दैट कैन बी कॉल्ड ट्रेजर. तो हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मेरे सोना, मेरे चांदी, मेरे प्रीसियस समथिंग, कुछ ऐसा जो भी बोलते हैं. तो उसने उसको इस तरीके से बोला कि मेरे बहुत ही प्रीसियस पर्सन, मेरे प्यारे, आप कहीं जा रहे थे क्या. इट सीम्स लोमो, नो आई कम ओनली टू सी यू, मीन्स आई कम ओनली, केवल मैं तुमसे मिलने आया हूँ. ऑनर्ड स्टीपन स्टॉपने विच, उसको देखो ऑनर्ड वर्ड यूज़ करके उसकी तारीफ कर रहे हैं. चबको, देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस, तो फिर आप इवनिंग ड्रेस क्यों डाले हुए हो माई प्रीसियस. इन द सेम वे एज ही कॉल्ड हिम ट्रेजर, इसी तरीके से उसे फिर से बोला कि मेरे सबसे कीमती, सबसे प्रीसियस पर्सन, प्यारे पर्सन, आपने ये फिर ये क्यों पहना हुआ है. एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ई विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नए साल की जो इवनिंग की विजिट होती है इसमें लोग कहीं जाते हैं बाहर, ऐसे करके आप सजे हुए हो, पहने हुए हो कपड़े. उसने उसे पूछा, लोमो वेल ओके यू सी इट्स लाइक दिस, कुछ ऐसा ही है. टेक्स हिज हार्म, उसका हाथ, उसकी आम जो है उसको पकड़ता है, उसके बाजू हाथ को पकड़ता है. आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ. ऑनर स्टीपन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू, थोड़ा तुम्हें परेशान करने के लिए. विद ए रिक्वेस्ट, एक आपसे रिक्वेस्ट के साथ, यानी कि आपसे एक गुजारिश थी, उसके लिए आपसे परेशान करने के आपको यहाँ पे आया हूँ. नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, हालांकि नॉट वंस और ट्वाइस के लिए एक दो बार ही नहीं, मैंने मैंने पहले भी एक दो बार नहीं, बहुत बार ये प्रिविलेज मुझे मिला. किस बात का, ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, कि मैं तुमसे किसी मदद के लिए गुजारिश कर सकूँ, तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर सकूँ. ऐसा मैंने एक दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा किया है. एंड यू ऑलवेज, और तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, सो टू स्पीक. इसलिए अगर मैं कहूँ तो आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगा. आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा एक्साइट होता जा रहा हूँ, मुझे एक्साइट में एक तरह से पूछा था, उत्सुक हूँ ऐसा मुझे लग रहा है. आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा पानी पिला दो. ऑनर स्टीपन स्टेपनोविच, बिकॉज ही कुड नॉट डायरेक्टली टेल हिम वट वॉज हिज पर्पज़, वो उसे बता नहीं पाया वो सारी चीज़ें ओपनली. और जैसे जैसे वो कहना चाहे कि मैं प्रपोजल के लिए आया हूँ, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, इस बात को कहने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई ही आस्क फॉर सम वाटर. ओके देन ही ड्रिंक्स द वाटर. चबकोव असाइड, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, थोड़ा धीरे से बोलता है अपने मन मन में, क्योंकि निकम्मा हमेशा क्या करता था, पैसे ही मांगने आया करता था, आज भी पैसे मांगने आया. बट उसने उस बात को उससे इतनी आवाज़ में नहीं बोला कि वो उसे सुन पाए. एंड ही हैज़ कम टू बोरो मनी, ही सेज दैट स्टेटमेंट इन ए लो वॉइस, है ना, सो दैट ही कुड नॉट लिसन दैट. शेंट गिव हिम मनी हिम एनी, यानी कि कुछ भी उसे नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे हम लोग पैसे. अलाउड, अब तेज बोलते हैं, वट इज़ इट, क्या है, बताओ क्या चाहते हो. माई ब्यूटी, मेरे प्यारे, मेरे सुंदर पड़ोसी, क्या चाहिए बोलो. लोमो, यू सी, जैसे कि तुम जानते हो, ऑनर स्टेपनोविच, आई बैग पर्डन स्टीपन. अब वो कुछ और ही बोलने लगता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ स्टेपन. अब देखो ऑनरिच करके बोल दिया, ऑनर स्टेपनोविच था उसको मिक्स कर लिया. आई मीन मतलब मेरा मतलब है, आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत बुरी तरह से एक्साइटमेंट से भरा हूँ. एज़ यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसा कि तुम प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करोगे. इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, यू अलोन कैन हेल्प मी, केवल तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो. दो आई डोंट डिज़र्व इट, हालांकि मैं इसे डिज़र्व तो नहीं करता ऑफकोर्स, एंड हैवेंट एनी राइट, और ना ही मेरा कोई राइट है इस बात का, टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, कि मैं काउंट ऑन का मतलब हमने बताया था, एक बार पहले भी यूज़ हुआ है और डिस्कस किया था. काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना. काउंट ऑन का मतलब आप इसका मीनिंग नोट करें बेटा, ध्यान करके, इसका मीनिंग होता है टू डिपेंड ऑन समवन. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हालांकि मेरा ना तो राइट है और ना ही मैं आपकी मदद के ऊपर डिपेंड रह ही सकता हूँ, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा आपसे मदद ही लेता रहूँ.
अच्छा वो कहो, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड, प्लीज आप ऐसे गोल गोल मत घूमिए डार्लिंग, स्पिट इट आउट, जल्दी जल्दी से फेंक दीजिए, जल्दी से बोल डालिए उस चीज़ को। वेल ओके लोमो वन मोमेंट, एक सेकेंड प्लीज, दिस वेरी मिनट, एक जस्ट एक मिनट के लिए, द फैक्ट इज, सच्चाई ये है, आई कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। नतालिया स्टेपनोवा, क्या बोल गया, स्टेपनोवना अलग बोल रहा है, इन मैरिज, शादी के लिए। के चबकोव जॉयफुली, जो अभी कुछ और ही सोच रहा था है ना, तो उसने बड़ी खुशी से, अब खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। बाय जॉव इवान वेसलनोविच, सिट अगेन प्लीज, एक बार फिर से कहो, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने अच्छे से सुना नहीं। लम आई हैव द ऑनर टू आस्क, कि मैं इस बात के लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ कि ये कहने में, ये पूछने में, क्या चबको इंटरप्टिंग, बीच में टोकते हुए, माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, एंड सो ऑन, येस इंडीड, वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सब सब कुछ वैसा, यानी कि मैं सच में ही बड़ा खुश हूँ। एम्ब्रेसेज एंड किसेस लोमोव, उसे गले लगा लेता है और उसे किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट, मैं इसके बारे में उम्मीद कर रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरी लगातार हमेशा से बहुत लंबे समय से रहे इच्छा जो थी, ऐसी कोई इच्छा है। शेड से टीयर, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। एंड आई ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तुमसे हमेशा बहुत मैंने प्यार किया है, माई एंजल। देखो कितनी झूठी एक तरीके से कंडीशन है, इससे पहले उसके बारे में कुछ उसको इन्फीरियर मान रहा था, उसके कुछ क्रिटिसाइज कर रहा था, अभी कह रहा है कि आई रियली लव्ड यू एवरी टाइम, ना हर समय मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ऑन सन, ऐसे जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो, ऐसे मैंने तुम्हें चाहा है। गॉड गिव यू बोथ, मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज़ें दे, क्या क्या दे, हिज हेल्प, उसकी मदद दे, आपको उसका प्यार मिले, एंड सो ऑन, और सब कुछ वो चीज़ें, एंड सो मच होप, और बहुत ज़्यादा एक होप, वट एम माई बी बिहेविंग इन दिस एडियोटिक वे फॉर, मैं ऐसा इतने पागल जैसे मैं कैसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, ऐसे उसने अपने आप से क्वेश्चन किया। आई एम ऑफ, मैं बिल्कुल ही पागल हो गया, भूल गया, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं खुशी के कारण से अपने आप को एक तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओह विद माई विद ऑल माई सॉल, आई गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, यानी कि मैं अभी जाता हूँ और उसके बुला कर लेकर आता हूँ। लोमो ग्रेटली मूव्ड, काफ़ी प्रभावित हुआ इस बात से, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई एम काउंट ऑन हर कंसेंट, मतलब कि उसे लगा कि फादर ने यस बोल दिया तो हो गया उसका मतलब, तो वो कह रहा है कि क्या मुझे डिपेंड करना पड़ेगा उसकी हाँ या ना के ऊपर या ऐसा कुछ। सो उसने कैसे कहा, वो कहता है कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो, आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, कि मुझे डिपेंड करना पड़ेगा उसके सहमति के ऊपर, उसके एग्रीमेंट के ऊपर। चबको वाई, क्यों, ऑफकोर्स बिल्कुल माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी विल नॉट कंसेंट, जैसे कि, और क्या तुम्हें लग रहा है कि वो मना करेगी, हाँ ऐसा नहीं है, शी इज़ इन लव ए कैट, शी इज़ लाइक ए लव सिक कैट, वो एक लव सिक कैट की तरीके से है, यानी कि जो प्यार में पागल हो उसकी तरीके से है, एंड सो ऑन, और ऐसा ही सब कुछ है। शांट बी लॉन्ग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी वो आ रही, ऐसा करके वो बोल के वहाँ से निकल जाता है। लोमो इट्स कॉल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर, यहाँ पे सर्दी लग रही है, मैं पूरा कांप रहा हूँ, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि अभी मेरे सामने कोई एग्ज़ाम होने वाला हो, ऐसा ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। अभी फिर से वो थोड़ा सा नर्वस हो गया कि उसे उससे बोलना पड़ेगा और वो क्या कहेगी, पता नहीं ना ना कह दे, ऐसा कुछ होगा। द ग्रेट थिंग इज, सबसे बड़ी बात तो ये है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मुझे अपना जो दिमाग है अपने आप को एक तरह से सेटल करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, कि अगर मैंने अपने आप को थोड़ा समय दिया कुछ सोचने के लिए, टू हेजिटेट करने के लिए, टू टॉक अलॉट, बहुत सारी बातें करने के लिए, टू लुक फॉर एन आइडियल, कुछ थोड़ा सा आइडियल अपने आप को शो करने के लिए, और फॉर रियल लव, और या फिर एक वास्तव में एक प्यार जो है उसे दिखाने के लिए, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो फिर ऐसा होगा कि मुझे समय मिल गया तो फिर इसका मतलब मैं अपने आप को प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाऊँगा, आई विल नेवर गेट मैरिड, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कांपने लगता है। इट्स कॉल्ड, और कहता है कि बहुत सर्दी है। नतालिया
स्टेप नोवेना इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, एक अच्छी हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग, ज़्यादा बुरी दिखती भी नहीं है, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है. वट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए, बट आई एम गेटिंग ए नाइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे मेरे कानों में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही है. देन अगेन ही ड्रिंक्स वाटर एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ही ना करूँ, शादी तो करनी पड़ेगी इन द फर्स्ट प्लेस, पर उसके रीज़न